क्या नाम आपका? अंकिता। आज ये क्या समस्या आपकी? हम HSB के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे मेन समस्या AC की है। वहाँ पे AC के हर बार प्रोमिस किया जाता है हमें यहाँ की AC लगवाया जाएगा। हम 25,000 रुपये अपने साल की फ़ीस में पे कर रहे हैं AC के लिए और हमें एक भी AC नहीं मिला है। लास्ट टाइम स्ट्राइक करने के बाद हमें 10 AC मिले गए हैं, जिसमें से 7 अभी भी नहीं चल रहे हैं, जिनके कनेक्शंस नहीं कराए गए हैं। इवन जो आधे AC हमें बोला गया है कि AC लग चुके हैं, उनकी रिपेयर हो चुकी है, जबकि रिपेयर होने के बाद भी, रिकॉर्ड बनने के बाद भी कोई भी AC नहीं चल रहा है। AC इतनी बुरी तरह से खिंडा हुआ है, अंदर से खुला हुआ है इतनी बुरी तरीके से कि कोई भी कभी भी उसे करंट खा के कभी भी मर सकता है। मतलब इतना बुरी हालत है। HSB में सबसे मेन इशू रहता है AC का, सफाई का। वॉशरूम्स में घुसने की लायक जगह नहीं है, इतना गंदा वॉशरूम्स है। HSB 1 फ्लोर्स भी इतने गंदे हैं। इतनी बार स्ट्राइक्स करने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। डायरेक्टर के पास जा चुके हैं, बच्चे हमेशा इकट्ठे हो गए। हर बार इवन सफाई बच्चों को खुद ही करनी पड़ रही है। सफाई के लिए कोई इशू नहीं है। पानी, ठंडा पानी छोड़ो, पीने के लिए ही पानी अवेलेबल नहीं होता। 25 बार कंप्लेंट करने के बाद फिर जाके आधा घंटा एक घंटा पानी आ रहा है HSB के अंदर। तो ये सब समस्याओं की वजह से हम सब छात्र HSB स्टूडेंट्स के हम सब मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं। इवन VC सर से बात करने आए हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जाए।